जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मनोवर जमा को हैदराबाद पुलिस ने रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मनोवर जमा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खासकर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। YouTube पर इनका एक चैनल भी है जहां 30 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एक्साइटमेंट रखिए, अपनी आवाज में दम रखिए। आप किसी आम इंसान के स्टूडेंट नहीं, आप मुनावर जमा सर के स्टूडेंट हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ से जाने होटल में नौकर झुक के थैंक यू सॉरी कुछ भी बोलता है तो हम टिप दे देते हैं। थोड़ी सी सर्विस देता है हम थैंक यू बोलते हैं, थोड़ी सी सर्विस देता है हम पैसे दे देते हैं। माँ ने कितनी सर्विस दी है, कुछ दिया आपने, कभी थैंक यू कहा आपने? वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर ये है। मुनव्वर जमा मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा, जो कि लाखों स्टूडेंट की जिंदगियों को बदल दिए, जो स्टूडेंट सुसाइड करने वाले थे, उनकी स्पीच सुनने के बाद, उनकी भाषा बातें सुनने के बाद जो है उनके अंदर जीने की एक चाहत पैदा होती है। लाखों स्टूडेंट जिनकी जिंदगियों को बदल दिए, जो लोग बेकार थे उनकी जिंदगियों को बदल देने वाले शख्स का नाम मुनव्वर जमा सर, उनको जो है तेलंगाना टास्क फोर्स ने जो है गिरफ्तार कर लिया। वजह जानकर आप बहुत ही हैरान होंगे। वजह सिर्फ इतना है, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने जो है मुसलमानों को उकसाया मूर्ति वगैरह तोड़ने के लिए। ये इल्ज़ाम के तहत उन्हें जो है, तो ये है मुसलमान थोड़ा सा भी बोले कुछ बोले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरे समुदाय के लोग जो है तरह तरह के जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमान को टारगेट के तौर पर जो है उन्हें जो है जेलों में बंद किया जा रहा है। मुनव्वर जमा खान सर वो शख्सियत है जिन्होंने लाखों स्टूडेंट की जिंदगियों को बदल दिए। इनकी इमोशनल स्पीच सुनकर जो है लोग जो है रोने लगते हैं, और अपनी जिंदगी जो लोग खराब कर चुके हैं वो अपनी जिंदगी को दोबारा सुधारने की कोशिश करते हैं। लाखों स्टूडेंट जो लोग माँ बाप की बातों को नहीं मानते थे, मुनव्वर जमा सर की जब बातों को सुनते थे उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे और वो जो है को फिर बदलने की कोशिश करते हैं। लाखों ऐसे स्टूडेंट है जिनकी जिंदगियों को बदल कर रख दिए मुनव्वर जमा सर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के जरिए और दीन की बातों के जरिए से हजारों लाखों मुसलमान बच्चियों की जिंदगियों को बदल दिए। और तो दोस्तों अब देखते हैं मुनव्वर जमा के बारे में क्या अपडेट है। फिलहाल अपडेट ये है कि उन्हें जो है जेल में जो है टास्क फोर्स के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन पे जो है इल्ज़ाम इतना है कि उन्होंने जो है मूर्ति तोड़ने के बारे में मुसलमानों को उकसाया, जो कि ये गलत है। और मुनव्वर जमा ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, उनके मुस्लिम हिंदू लाखों ऐसे फैन हैं, उनके जो है बहुत सारे ऐसे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उनकी हिंदू जो स्टूडेंट है उनको फॉलो करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मुनव्वर जमा सर ने जो है ऐसा बोला होगा, उन्हें एक प्लान के तहत जो है गिरफ्तार किया गया होगा। तो हमें चाहिए कि मुनव्वर जमा सर के लिए जो आवाज़ उठाना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुनव्वर जमा सर को जो है बहुत ही जल्दी जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। और क्योंकि इसके उनके पास कोई खास सबूत नहीं है, बस एक वजह तलाशना था उनको, एक मकसद के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी जो है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ मुनव्वर जमा के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।